उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी ने भरी हुंकार तो हिल गई दिल्ली सरकार बीजेपी की। जो कमल छाप साबुन से स्नान कर लिया वो हरिश्चंद हो गया। अब ये कुछ भी कह लें 56-47, यहाँ 56-47 जनता का जो वोट है बीजेपी वहाँ कहीं मुकाबले में नजर नहीं आएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज और आपके साथ मैं हूँ वसीम। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और ऐसे में बिहार की सियासत तो लगातार गर्म है ही, मगर महागठबंधन ने दोनों ही सीटों पर प्रत्याशी के नाम अनाउंस कर दिए हैं। बीते दिनों जीतनराम मांझी ने नाम की घोषणा की। तमाम महागठबंधन के जितने घटक दल हैं उनके नेता साथ बैठे थे, संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, मगर बीजेपी दो दो हाथ करने को तैयार है। सुशील कुमार मोदी भी लगातार कहते रहे हैं कि वो दो दो हाथ करने को तैयार हैं। हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी जी हैं। मृत्युंजय जी, बीजेपी दो दो हाथ करने को तैयार हैं, आप लोग करेंगे? देखिए, बीजेपी दो हाथ क्या करेगी, बीजेपी का नाम लेवा दोनों विधानसभा सीट पर नहीं मिलेगा कोई, और जमानत बचाने के लिए संघर्ष करेगी। दोनों उम्मीदवारों के नामों का घोषणा कल कर दिया गया है महागठबंधन की बैठक के बाद फैसला लेकर के, तो वहाँ मोकामा में नीलम देवी अपार मतों से जीतेंगी और गोपालगंज में मोहन गुप्ता जी, दोनों महागठबंधन के उम्मीदवार अपार मतों से जीतेंगे, बीजेपी वहाँ कहीं मुकाबले में नजर नहीं आएगी। कांग्रेस 2020 में लड़ी थी गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र से, इस बार आप लोगों ने कांग्रेस का भी पत्ता काट दिया? नहीं, पत्ता काटने का सवाल नहीं है, इसलिए ना महागठबंधन की बैठक हुई, बैठक में जो निर्णय हुआ वो उम्मीदवार महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस पार्टी भी थी, सब लोगों के प्रतिनिधि थे, सभी दलों के, जो 7 दलों का गठबंधन है महागठबंधन, इसलिए इसमें अब वो सब बात का कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, कोई मायने मतलब नहीं है। ये उम्मीदवारों के नामों का ऐलान सभी घटक दल महागठबंधन के मिल करके तय किया है, और सब लोग इस दोनों सीटों पर, एक सीट तो हमारी थी गोपालगंज वाली सीट भी, हम बीजेपी से छीनकर लाएंगे। बीजेपी कह रही है 56-47 के दम पर चुनाव नहीं जीता जा सकता है, जनता सब कुछ जानती है। देखिए, 56-47 के दम पर चुनाव लड़ने का, जीतने का बीजेपी का रहा है, यहाँ तो बोचहा का ट्रेलर भूल गए क्या बीजेपी वाले? जनता का जन सैलाब वो उमड़ रहा है, ये कहाँ टिकेंगे? अब ये कुछ भी कह लें 56-47, यहाँ 56-47 जनता का जो वोट है वो काम करता है, जनता लोकतंत्र में ये सब बात जो बीजेपी कह रही है इसका मतलब है कि बीजेपी ने ये मान लिया कि दोनों सीटों पर वो हार रही है। आनंद सिंह को लेकर के कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता लगातार निशाना साध रहे हैं आप लोगों पर, कह रहे हैं उनकी पत्नी को चुनावी मैदान में। भाई, ये तो हमारे नेता उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी लगातार बोलते हैं, जो कमल छाप साबुन से स्नान कर लिया वो हरिश्चंद हो गया, न वो अपराधी रहेगा न भ्रष्टाचारी रहेगा, लेकिन जैसे विपक्ष में आएगा विरोध में बीजेपी का तो वो भ्रष्टाचारी अपराधी कहलाएगा। आप लोग कैसे दाग दोगे आनंद सिंह पर जो लगा? दाग का सवाल देखिए, जनता, जनप्रतिनिधि, जनता चुनती है। कल तक थे ना भाई एनडीए में, बीजेपी घटक दल में थे, वहाँ भी थे वो, उस समय क्या था? ये सब बीजेपी कुछ भी कह ले उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, जनता जनार्दन का आशीर्वाद महागठबंधन के दोनों उम्मीदवारों को मिलेगा और भारी मतों से जीत होगी, चारों खाने चित्त होगी बीजेपी। कल ही आपने देखा कि 2 दिन पूर्व ही तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में ताल ठोक करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी, उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी ने भरी हुंकार तो हिल गई दिल्ली सरकार बीजेपी की। नहीं, गोपालगंज जो सीट रहा है वो बीजेपी के खेमे में रहा है, ऐसे में आप लोगों ने अपना प्रत्याशी को जब आगे किया है चुनाव मैदान में तो जीत का रोड मैप क्या होगा? देखिए, जीत का रोड मैप है कि 2 महीने में जो ये नई सरकार बनी आदरणीय नीतीश जी तेजस्वी जी के नेतृत्व में,
इस सरकार ने काम करना शुरू किया, जनता को दिखाई दे रहा है नौजवानों का भविष्य सजाया संवारा जा रहा है, नौकरियां मिलने शुरू हो गए, बिहार की भलाई के लिए काम होना शुरू हो गया, तो जनता को तो काम चाहिए ना, जनता को जुमलेबाजी नहीं चाहिए, जो वादा किया वो पूरा कर रहे हैं, जनता खुश है, इसलिए सभी जात सभी वर्ग सभी धर्म के लोगों का समर्थन मिल रहा है। तो आपने सुना मृत्युंजय तिवारी को, सभी जात सभी धर्म सभी वर्ग का समर्थन मिल रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि आखिरी फैसला जनता क्या लेती है, किसे अपना मत देती है। हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।